फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार टीवी इंडस्ट्री में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना महामारी के कारण ज्यादा दिवाली पार्टीज का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन जितनी भी दिवाली पार्टीज हुई उसमें खूब धमाल देखने को मिला। टीवी पर अलादीन के किरदार को बखूबी जीने वाले सिद्धार्थ निगम ने भी कोरोना के बीच अपने घर पर दिवाली का जश्न बड़े ही जोरों शोरों से मनाया। सिद्धार्थ ने तो अपने घर दिवाली पार्टी रखी, जिसमें उनके भाई अभिषेक निगम, सुरभि, समृद्धि, जिन्हें लोग चिंकी मिंकी के नाम से भी जानते हैं, वैष्णवी राव, देवी जोशी, अनुष्का सेन, जनरल जुबैर, रीम शेख, आशा सिंह जैसे जैसे कलाकार भी शामिल हुए। लेकिन सिद्धार्थ निगम की बेहद करीबी दोस्त यानी कि अवनीत कौर इस पार्टी में कहीं नजर नहीं आई। सोशल मीडिया हो या फिर कोई इवेंट, दोनों सितारे अक्सर साथ साथ नजर ही आते रहते हैं। इनकी दोस्ती, नजदीकियां और फ्लर्टिंग भरे पल भी लोगों को खूब देखने को मिलते हैं। ऐसे में इनके रिलेशनशिप में होने की बातें भी अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। पर दोनों ही कलाकारों ने इन बातों से कई बार कन्नी काटते भी वो नजर आए और अपने बीच के रिश्ते को गहरी दोस्ती बताते आए हैं। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने अवनीत कौर को अपनी दिवाली पार्टी में नहीं बुलाया, या फिर हो सकता है कि अवनीत कौर ने सिद्धार्थ की इस पार्टी को स्किप कर दी हो। वैसे वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अवनीत कौर को लेकर खबरें ये भी है कि पिछले कुछ समय से अवनीत कौर और जन्नत के बीच भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल एक समय में एक दूसरे के अच्छे दोस्त होने के बाद भी इनके बीच दरार देखने को मिल रही है, जिसके पीछे की वजह तो नहीं जानते हम, लेकिन कई मौकों पर अवनीत और जन्नत एक दूसरे को इग्नोर करते भी नजर आए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। अब दोनों सितारों के बीच किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, इसका जवाब ना तो जन्नत और ना ही अवनीत देती हैं। अब ऐसे में सिद्धार्थ की दिवाली पार्टी में अवनीत कौर की गैर मौजूदगी की एक वजह ये भी हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि जहां एक तरफ सिद्धार्थ अपने इन फ्रेंड्स के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए, तो वहीं अवनीत कौर ने भी दिवाली अपनी फैमिली के साथ मनाई।